सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता की यात्रा का एकमात्र मंत्र है। उत्साह और कड़ी मेहनत के लिए बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऐसे ही संघर्ष की मिसाल है कसरावत में किसान के बेटे ज्योतिरादित्य की, जिन्होंने ऑल इंडिया जेईई मेंस परीक्षा में 99.97% अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 158वीं रैंक प्राप्त कर खरगोन जिले में इतिहास रच दिया है। ज्योतिरादित्य के पिता दिलीप यादव गांव में ही खेती का कार्य करते हैं। वह बताते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई का 60% हिस्सा ज्योतिरादित्य स्कॉलरशिप से ही पूरा कर लेते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। ज्योतिरादित्य का अगला लक्ष्य 3 अक्टूबर को होने वाली जेईई मेंस परीक्षा में 200 रैंक हासिल करना, बाकी मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे संस्थानों में प्रवेश मिल सके। साथ ही ज्योतिरादित्य का सपना पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम की तरह मुकाम हासिल कर देश की सेवा करना है। ज्योतिरादित्य सफलता के लिए प्रेरणा स्रोत अपने शिक्षकों के अलावा अपने माता पिता को मानते हैं। उनका कहना है कि उनकी माता हीरामणि, जो कि गृहिणी हैं, अपने बेटे का पढ़ाई में विशेष ध्यान रखती है। कृषक दिलीप यादव, जो कभी बीएससी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, आज उनके बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मेरी हसरत है मेरे बेटे से पूरी हो रही है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य, जो एक किसान के बेटे हैं और पूरे इंडिया में जो जेईई मेंस परीक्षा होती है उसमें 158वीं रैंक हासिल की है, मध्य प्रदेश का और खरगोन जिले का गौरव बढ़ाया है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैसी रही इनकी तैयारी और कैसे इन्होंने इस मकाम को हासिल किया। तो ज्योतिरादित्य जी, आपको सबसे पहले बधाई कि आपने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, जिले का गौरव बढ़ाया है, और इस एग्ज़ाम को हासिल करने के लिए क्या रहा, कैसे आपने इस एग्ज़ाम को हासिल किया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। तैयारी सर मैंने 2 साल 11th और 12th में किए एलएन इंदौर से, 1 साल ऑफलाइन क्लासेज अटेंड की और 1 साल ऑनलाइन क्लासेज अटेंड की कोविड के कारण, और टीचर्स वगैरह के गाइडेंस को फॉलो करता था और टेस्ट वगैरह जो होते थे, नोट्स वगैरह जो बनवाते थे, उनको प्रॉपरली रिवाइज करके तैयारी की। देखा गया कि आपने इसके पहले भी जो एग्ज़ाम थी उसमें भी आपने काफ़ी अच्छे नंबर हासिल किए थे, तो किस तरीके से आपको प्रेरणा मिलती है, क्या सपना है आपका आगे? सर मेरा सपना अभी IIT में एडमिशन लेना है। जो भी टॉप IITs, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, उनमें से किसी में कंप्यूटर साइंस से BTech करना है, और सर इसी के कारण मैंने JEE एडवांस को ही हमेशा मेरा फोकस रखा है, और उसी की तैयारी के बीच में मेंस की भी तैयारी मेरी अच्छे से हुई और मेरे रिजल्ट आए। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे कि आज जो मोबाइल है, कई परिवारों में माता पिता बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहे, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा कि इस ये मोबाइल या कंप्यूटर है, ये आपके लिए क्या वरदान साबित हुआ है, किस तरीके से आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए? सर वही बात है कि सर मोबाइल या कंप्यूटर या इंटरनेट गलत नहीं होता, उसको यूज़ करने वाला इंसान सही या गलत होता है। तो मतलब मेरे केस में ऐसा था कि जब मैंने 1 साल 11th में तैयारी चालू की थी तो मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, मेरे पास एक सिंपल फ़ोन था, कीपैड वाला फ़ोन था, तो उससे मतलब जो इंदौर में तैयारी की थी वहाँ पर अब 12th में मजबूरी थी इंटरनेट और लैपटॉप होना, इसलिए फिर मैंने लैपटॉप को यूज़ किया, उससे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती थी। तो मतलब ये है कि अगर हो सके, मतलब सिंस अब ऑनलाइन क्लासेज हो रही है तब तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है बिना मोबाइल या इंटरनेट के, लेकिन अगर आपके पास अगर जैसे अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल से इंटरनेट से दूर रहें। निश्चित रूप से आपके परिवार की स्थिति देख रहा हूँ तो ये जो एग्ज़ाम है इसकी कोचिंग भी काफ़ी महंगी पड़ती है, तो किस तरीके से आपको कोई आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा? सर आर्थिक परेशानी का सामना शुरू में जब एडमिशन लेना था उस समय हल्की सी आई थी, पर मेरे को जब मैंने कोचिंग का टेस्ट दिया था तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी 60% स्कॉलरशिप 11th क्लास में, और 12th में मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली, तो फाइनेंसिस में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद सर 12th में वहाँ पर रहने करने का जो खर्चा था वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि घर से पढ़ाई की, तो काफ़ी बेहतर था। मतलब जैसे कि आपने स्कॉलरशिप से फीस भरी तो परिवार का भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।